मायरिंगोप्लास्टी और रिपेयर ऑफ द ईयर ड्रम। मायरिंगो मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। मायरिंगोप्लास्टी इज प्लास्टी और रिपेयर ऑफ अ टॉर्न ईयर ड्रम। मायरिंगोप्लास्टी इज डन फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव अ होल इन देयर ईयर ड्रम एंड दैट होल नीड्स टू बी रिपेयर्ड बाय अ सर्जिकल प्रोसीजर। मायरिंगोप्लास्टी में हम पेशेंट का ईयर ड्रम परफोरेशन रिपेयर करते हैं। पेशेंट को कभी कभी कान में इन्फेक्शन होती है जिसको ASOM और CSOM कहा जाता है। इस इन्फेक्शन के बाद कभी कभी ईयर ड्रम रप्चर होके परफोरेट हो जाता है। ईयर ड्रम परफोरेशन के रिपेयर को मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं। इस ऑपरेशन में हम कान के ईयर ड्रम को रिपेयर करके एक नया ईयर ड्रम या नया कान का पर्दा बनाते हैं। मायरिंगोप्लास्टी में हमारा मकसद होता है कि टॉर्न ईयर ड्रम रिपेयर हो जाए और हियरिंग रिस्टोर हो जाए। मायरिंगोप्लास्टी में हम तरह तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, कभी कभी पेपर या ज़्यादातर हम ग्राफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। ग्राफ्ट मटेरियल में सबसे ज़्यादा कॉमन है टेम्पोरालिस फेशिया या ट्रेगल पेरिकॉन्ड्रियम। टेम्पोरालिस फेशिया और ट्रेगल पेरिकॉन्ड्रियम दोनों हम पेशेंट की बॉडी से उनके टिश्यू को इस्तेमाल करते हैं और उसी ऑपरेशन के टाइम ये हम ग्राफ्ट मटेरियल निकालते हैं और रिपेयर करते हैं टॉर्न ईयर ड्रम को। मायरिंगोप्लास्टी ऑपरेशन लोकल एनेस्थीजिया या मॉडिफाइड एनेस्थीजिया केयर जिसको हम MAC कहते हैं, जिसमें फुल एनेस्थीजिया नहीं देते लेकिन पेशेंट का पेन कंट्रोल एनेस्थेटिस्ट करता है, या फुल जनरल एनेस्थीजिया में देते हैं। मायरिंगोप्लास्टी का ऑपरेशन हम लोकल एनेस्थीजिया में कर सकते हैं जिसमें सर्जन लोकल एनेस्थेटिक लगाता है और पेशेंट का एरिया को नम करता है। कभी कभी हम इसको MAC या मॉडिफाइड एनेस्थीजिया केयर में करते हैं जिसमें एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश नहीं करते लेकिन पेशेंट को दर्द ना हो उसका ध्यान रखते हैं। और कभी कभी हम मायरिंगोप्लास्टी को फुल जनरल एनेस्थीजिया में देते हैं जिसमें पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होता है। मायरिंगोप्लास्टी करने से पहले हम पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, ईयर ड्रम परफोरेशन नोट करते हैं, कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, ईयर ड्रम के आसपास का इलाका कैसा है। हम एक सिंपल सा हियरिंग टेस्ट जिसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं वो करते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को हियरिंग लॉस कितना है, और सिंपल ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग वायरल मार्कर्स वगैरह कराते हैं देखने के लिए कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं। एक बार ये पूरी तरह से जाँच हो जाती है हम पेशेंट को ऑपरेशन की डेट देते हैं। ये ऑपरेशन कान के पीछे से यानी कि पोस्टोरल, कान के अंदर से यानी कि परमियाटल, या कान के आगे से जिसको हम एंडोरल कहते हैं, तरह तरह के इंसिशन से होते हैं। इंसिशन डिपेंड करता है सर्जन की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर और इसके ऊपर कि आपकी परफोरेशन कहाँ पर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सब टोटल है। इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कौन सा वाला अप्रोच यूज़ करना है आपके ईयर ड्रम को रिपेयर करने के लिए। सर्जरी करने के बाद आपके कान के ऊपर पट्टी होती है जो हम 5 to 7 days लेटर रिमूव करते हैं। पट्टी निकालने के बाद हम कान में अगर इंसिशन दिया है तो वो सूचर्स रिमूव करते हैं। कान के अंदर एक ड्रेसिंग होती है जिसको हम ओरल पैक कहते हैं, वो हम कोशिश करते हैं 2 हफ्ते तक रहे ताकि ईयर ड्रम अच्छी तरह से रिपेयर हो जाए। मायरिंगोप्लास्टी करने के बाद कुछ एहतियात पेशेंट ने बरतने हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि कान में या ऑपरेटेड ईयर में पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। दूसरा, मायरिंगोप्लास्टी के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते तक आप फ्लाई ना करें, क्योंकि फ्लाई करने से एयर प्रेशर की वजह से ईयर ड्रम में नुकसान हो सकता है। मायरिंगोप्लास्टी प्रोसीजर में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकती है, और कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। मायरिंगोप्लास्टी करने की प्री कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले ईयर ड्रम में होल होना चाहिए। सेकेंडली, कंडक्टिव डेफनेस होनी चाहिए। थर्डली, ईयर ड्राई होना चाहिए यानी कि एक्टिव डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए कान में, क्योंकि इन स्थिति में कभी कभी रिजल्ट हमारे थोड़े कम हो जाते हैं। मायरिंगोप्लास्टी हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों में कर सकते हैं और ये सेफ़ प्रोसीजर है। पेशेंट की अगर जनरल हेल्थ ठीक है और वो एनेस्थीजिया टॉलरेट कर पाते हैं तो मायरिंगोप्लास्टी एक छोटा सेफ़ प्रोसीजर है और ये आसानी से हो सकता है।